हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं, आज हमारे पास है बजाज की पल्सर NS125 पूरी अपग्रेडेड E20 में, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आज हम इसी का फुल रिव्यू देने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी के द्वारा और क्या क्या इसमें आपको फ्यूचर मिल जा रहा है, माइलेज कितनी मिलेगी और प्राइस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास की। तो चलिए एक बार हम पूरी लुक इसके दिखा दे रहे हैं हम आप लोग को। पूरा लुक एक बार इसका देख सकते हैं वीडियो में, काफ़ी अच्छी है। ग्रे एडिशन, जैसा कि देख पा रहे हैं, ग्रे एडिशन में अबर न्यू लॉन्च हुई है बजाज की पल्सर NS125। तो चलिए अब फ्रंट की बात करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, फ्रंट में हेलोजन लाइट डाला हुआ है और छोटी सी फायरिंग में देख सकते हैं बजाज का लोगो डाला हुआ है। विंडशील्ड की बात करें, काफ़ी मजबूत डाला हुआ है इसमें, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं शाइनिंग। और यहाँ पे मैट ब्लैक में विंडशील्ड डाला हुआ है, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। आई शेप में यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट तो इसमें है ही नहीं आई शेप में, फिर भी इसका मॉडल और कुल लुक काफ़ी अच्छा और बेहतरीन लग रहा है। साथ ही में इंडिकेटर हेलोजन में मिल जाएगा आपको देखने को, और काफ़ी फ्लेक्सिबल। ये रही नंबर प्लेट की स्टैंड जस्ट नीचे, और ये रही छोटी छोटी हेलोजन लाइट जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके साथ मडगार्ड भी काफ़ी मजबूत और हैवी डाला हुआ है, देख सकते हैं कार्बन फाइबर में, ये ऊपर का मॉडल रहा। और इसमें जो आपको मिलेगा वो कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम मिलेगा, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम इसमें डाला हुआ है। डिस्क की बात करें तो डिस्क भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसमें, छोटी सी डिस्क। और फ्रंट टायर की बात करते हैं, इसमें साइज 8017 का फ्रंट में टायर इसको में देखने को मिलेगा। और साथ में ये मिड गार्ड में पीछे की ओर एक और गार्ड लगेगा, वो ऐसे सीरीज में आएगा आपका। साथ में इसकी बात करते हैं टैंक फायरिंग की, तो देख सकते हैं 125 वाइट स्टिकर में लिखी हुई देखने को मिलेगा, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके साथ ये ब्लैक कलर की पट्टी भी इसमें टैंक कॉल में देखने को मिल जाएगा, ये रही। और इसके साथ जो अपग्रेडेड हुआ फ्यूल इंजेक्शन ये डाला हुआ है। अबर इसमें एक और मॉडल था जिसमें दो प्लग आते थे पुरानी वाली, अब इसमें सिंगल प्लग का ऑप्शन मिल जा रहा है, इसमें सिंगल प्लग डाला हुआ है जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। और फ्यूल इंजेक्शन मतलब FI बाइक को कर दिया गया है। साथ ही में किक का ऑप्शन काफ़ी बेहतरीन मिल जा रहा है इसमें। इंजन में की बात करें तो इंजन 125 सीसी का, और साथ में बजाज का लोगो देखने को मिलेगा इसमें, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। बेली पेन की बात करें तो पूरी फाइबर में, ब्लैक फाइबर में देखने को मिल जाएगा, साथ ही वाइट स्टिकर के साथ। ब्रेक पैंडल काफ़ी मजबूत और हैवी मिल जाएगा। और यह रही इसकी फुटरेस्ट, काफ़ी प्रीमियम फुटरेस्ट मिल जा रही है। चेचिस की बात करें तो चेचिस आप लोग देख ही सकते हैं, बजाज NS का कहना ही कुछ अलग है, इसकी चेचिस काफ़ी मजबूत क्वालिटी की रहती है। साथ ही में टैंक में देख सकते हैं बजाज की 3D लोगो सिल्वर में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में एक यहाँ पे देख सकते हैं स्टिकर, जिसे यह गार्ड भी बोल सकते हैं, सेफ्टी गार्ड, ये टैंक में डाला हुआ है। यहाँ बैठिएगा, बैठने से ये आपको बचाएगा। और साथ ही में टैंक की बात करें तो E20 लिखी हुई टैंक में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी मीटर की, तो चलिए अब मीटर के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो जल्दी से इसको ऑन करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, मीटर हमारा ऑन हो चुका है। तो इसमें क्या क्या फीचर मिलेंगे चलिए हम आप दिखाते हैं आप लोग को। तो देख सकते हैं, पहली तो हमारी टाइमिंग की भी दिखाएगी इसमें, साथ ही में ये स्पीड की किलोमीटर रही, और ये RPM किलोमीटर रही। और फ्यूल की बात करें तो फ्यूल की मीटर ये रही, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। किलोमीटर की बात करें तो ये रही, और इसमें आपको एवरेज भी दिखाएगा कितना हमारा बाइक चला है और कितना और पेट्रोल बचा हुआ और कितना और चल पाएगा इतना पेट्रोल से, ये भी माइलेज भी एवरेज इसमें दिखाएगा। साथ ही में इसमें देख सकते हैं इंटेल की लाइट, बैटरी की लाइट, और साथ में चेक लाइट, EMI लाइट भी देख सकते हैं। और ये बजाज की लोगो लाइट, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं लाइट की होती है ये, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं लाइट, और ये रही लाइट की लाइट। साथ ही में स्विचेस की बात करें, काफ़ी प्रीमियम स्विचेस डाला हुआ है, ऑन ऑफ की स्विच, और ये रही इसकी सेल्फ की स्विच, काफ़ी प्रीमियम। एक बार हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, इसके बाद अब पूरी बताएंगे। तो इसमें तो पेट्रोल डाला हुआ नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं डिस्प्लेट में या डिस्क ब्रेक में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सेफ्टी गार्ड डाला हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लैक में, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी हैवी क्वालिटी से ये लेस है बाइक। और साथ ही में लेफ्ट साइड की स्विच भी काफ़ी प्रीमियम, हॉर्न की स्विच, और ये इंडिकेटर की स्विच, और ये लाइट की स्विच भी ऊपर नीचे की लाइट। अब चलिए सस्पेंशन की बात करते हैं, तो काफ़ी मजबूत सस्पेंशन मिल जाएगा आपको देखने को, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं सस्पेंशन काफ़ी मजबूत मिल जाएगा। देख सकते हैं ये छोटी सी ये 3D लाइट आपको देखने को मिलेगा इसमें। मीटर आपको देख सकते हैं, वायरलेस मीटर आपको देखने को मिलेगा, वायर के साथ वायर मीटर वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही में इंजन की बात करें तो NS125
काफ़ी रिफाइनिंग इंजन डाला हुआ है इसमें, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। सिंगल प्लग का ऑप्शन मिल जा रहा है आपको, इसमें पहले डबल प्लग का ऑप्शन मिलता था, अब कंपनी के द्वारा माइलेज भी बढ़ा दिया गया है और काफ़ी अच्छी माइलेज और काफ़ी अच्छी स्पीड इसमें देखने को मिल जाएगा। और सिंगल प्लग का ऑप्शन, इससे क्या होता है कि हमारा जो माइलेज हो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है बजाज ने। पहले क्या होता था, माइलेज काफ़ी कम होती थी बजाज की NS125 में, अब काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा माइलेज। साथ ही में देख सकते हैं लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ लगने का ऑप्शन है, जैसा कि देख सकते हैं ये लेडीज़ फुटरेस्ट, और ये भी काफ़ी अच्छी लेडीज़ फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी मजबूत। साइड स्टेयर में देख सकते हैं छोटी सी सेंसर लगी हुई है, अगर इस तरह आपकी बाइक अगर गियर में हो तो स्टार्ट नहीं होगी और गियर लगाने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, आपको पूरी स्टेन मारनी है। इस तरह देख सकते हैं ये छोटी सी सेंसर रही और ये इसकी सेंसर रही, ये दो चीज़ है तो इसका भी ध्यान रखना है। गियर की देख सकते हैं पांच गियर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। साथ ही में चैन कवर की बात करें तो पूरी ब्लैक फाइबर में देखने को मिलेगा इसमें। चैन स्पोकेट काफ़ी अच्छी डाली हुई है और काफ़ी चलती है बजाज की चैन स्पोकेट। और रियर टायर की बात करते हैं तो देख सकते हैं 190/17 की रियर में एनसी टायर मिल जा रही है आपको, अभी वो भी ट्यूबलेस टायर। और ये रही रियर की हाफ मेड गार्ड, जिसे आप लोग बोल सकते हैं हाफ मेड गार्ड। बात करते हैं रियर लाइट की, तो आपको LED लाइट आपको देखने को मिल जाएगी ब्रेक लाइट की, और साथ ही में नंबर प्लेट की स्टैंड ये, और साथ ही में देख सकते हैं यहाँ पे नंबर प्लेट के स्टैंड के ऊपर ही जस्ट एक लाइट डाली हुई है नंबर प्लेट के लिए, जिससे रात में दिखेगा नंबर प्लेट। और ये इंडिकेटर भी हेलोजन में रियर में भी डाला हुआ है और काफ़ी मजबूत मिल जाएगा इसमें। रियल कॉल की बात करते हैं देख सकते हैं NS125 लिखी हुई वाइट स्टिकर में मिल जाएगा, और ब्लैक एडिशन जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं ये भी छोटी सी पट्टी डाली हुई है वाइट स्टिकर में। ग्रैब हैंडल काफ़ी मजबूत ब्लैक में डाला हुआ है जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसकी बात करें तो सीट भी काफ़ी अच्छी डाली हुई है, अच्छी मटेरियल से बनी हुई डाली हुई है, काफ़ी कम्फर्ट फील होगा इस सीट में। और बात करते हैं इसकी सॉकर की डुअल सस्पेंशन की, तो मोनो सस्पेंशन का यूज़ किया हुआ है जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। सिंगल सस्पेंशन काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत सस्पेंशन डाला हुआ है इसमें। और ये रही इसकी साइलेंसर, ये छोटी सी साइलेंसर डाली हुई है, ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी इन्हेंस कर रही है लुक को इसमें। ये इसका तीन मोड डाला था 200 NS200 NS160 और NS125 जो अब 2023 की न्यू बाइक है, तो इसका पूरा फुल रिव्यू आप लोग देख ही चुके हैं। साथ ही में जो देख सकते हैं कि जिन किसी भाई को अगर डॉट होगा कि फ्रंट में जैसा कि इंजन कूलेंट डाला हुआ है ऑयल के लिए, ऑयल कूलेंट या इंजन कूलेंट 125 में, तो वैसा नहीं है, ये सिंपल वाला है, इसमें कूलेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑयल कूलेंट का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिल्टर डाला हुआ है छोटी सी जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, और साथ ही में लेगार्ड यहाँ लगने का ऑप्शन डाला हुआ है, आप गाड़ी परचेज कीजिएगा तो लेगार्ड भी इसमें लगा के मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस की बात करें हमारे यहाँ तो 1,28,000 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस है। माइलेज की बात करें तो 55-60 की इसकी एवरेज माइलेज है। और टॉप स्पीड की बात करें तो 110-112 की टॉप स्पीड आपको देखने को इसमें मिल जाएगी, साथ ही में काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ। चलिए एक बार हम इसकी सीट भी खोल के दिखा दे रहे हैं अंदर क्या क्या आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, तो चलिए जल्दी से सीट को खोलते हैं। तो अब चलिए सीट देख सकते हैं, सीट खोल को भी दिखा दे रहे हैं हम आप लोग को, इसमें कितना सारा सेंसर मिल जाएगा आपको देख सकते हैं, पंप की रिले, स्टार्टर रिले, और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, फीज भी डाला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और इसके साथ फ्रंट की भी सीट हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, फ्रंट की सीट के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा तो इसमें भी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ओपन कर दिया हमने, तो ये रही इसकी 5Z, इसमें 5Z मिल जाएगा बैटरी। और देख सकते हैं रियर फ्रंट में आपको फिल्टर मिल जाएगा इसमें जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये मोनो सस्पेंशन यहाँ पे इसका हुआ, ये हुआ। और इसमें जो एक चीज़ आ रहा है, इसमें आपको जब काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिजाइनिंग के साथ आपको इस NS में देखने को मिल जाएगा ये रिले, जो आपकी अगर सेल्फ ना काम करे या पंप ना काम करे तो आप एक बार यहाँ से अपने से चेक कर सकते हैं, और यहाँ से फीस भी आप अपने से चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा, क्या होता है कभी कभी मिस्त्री के पास जाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोग ठक लेते हैं, ये प्रॉब्लम होने के बाद बता देते हैं कस्टमर को, ये प्रॉब्लम सारा वगैरह वगैरह प्रॉब्लम का इशू करके देते हैं, इसके चलते कस्टमर को ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप घर में भी अपना न्यू बाइक को चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक होता है। ये इसका पूरा लुक रहा, हम आप लोग को खोल के भी एक वीडियो में आपको दिखा दिए हैं कि इसमें क्या क्या सिस्टम रहता है। तो BS6 में ये इंडिकेटर की रिले रही जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। तो चलिए ये बजाज आप लोग को पेश कर रही है, तो जिन किन्हीं भाई को अगर लेना है तो वीडियो के माध्यम से आप अपनी नज़दीकी
शोरूम में विजिट करके वहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। फाइनेंस की अवेलेबल भी है। और इसके साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।